सर जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम कायनात है, मैं जोधपुर राजस्थान से अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मैंने 2018 में LLB पास किया था और लास्ट ईयर मैंने RJS मेंस भी दिया था और JLO में मेरा फर्स्ट क्रम है। और जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मुझे खाना बनाना काफ़ी पसंद है। थैंक यू। तो RJS की तैयारी का आप करिए। हाँ जी। तो आप इंटरव्यू में नहीं सर, रिटन के लिए नहीं। हाँ कितने मार्क्स कम आएंगे सर? मेरे शायद 138 मार्क्स आ रहे थे मेंस में और 146 कट ऑफ गई थी। किस सब्जेक्ट का कम? सर कुछ गलती मेरे से ही रही है, मतलब सिविल और क्रिमिनल में ही थोड़े थोड़े से कम थे। थोड़ा सा वो एक फर्स्ट टाइम पेपर प्रेशर था तो हड़बड़ में गलत क्वेश्चंस लिख के आ गई थी। जजमेंट राइटिंग वगैरह जजमेंट में ही गलती हो गई थी। वो जजमेंट ऑर्डर सम जो ऑर्डर आए थे पर मैंने जजमेंट समझ के उसको लिख दिया फटाफट में गलती से, वो उस मार्क्स कट गए। जैसे अभी आपने कहा कि आपको खाना बनाना पसंद है, जी तो खाने में मतलब क्या चीज बनाती हो इसका? सर बेसिकली तो बहुत कम चांस मिलता है, तो फिर भी मिलता तो वेज बिरयानी काफ़ी अच्छा बना लेती हूँ ऐसा मुझे लगता है। आपको कौन सा फूड अच्छा लगता है, वेज नॉन वेज सर या दोनों? वेज। वेज अच्छा लगता है। आपके घर में नॉन वेज तो बनता होगा? हाँ जी। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 दिया हुआ है, हाँ जी क्या है ये? सर, आर्टिकल 22 में बताया गया है गिरफ्तारी और निरोध के, मतलब उसके बारे में है, संरक्षण के बारे में, कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उसको मतलब उसको अधिकार होगा कि उसको बताया जाएगा कि प्रतिरक्षा का अधिकार होगा और उसको गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा और उसको 24 घंटे के अंदर अंदर यात्रा के समय को एक्सक्लूड करके मजिस्ट्रेट के समय पेश किया जाएगा। और इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जैसे दो जो बताए गए हैं तत्सम अन्यदेशीय शत्रु है और उन निवारण निरोध वाला, उनको 3 माह तक के लिए निरोध गिरफ्तार मतलब निरोध किया जा सकता है। ये CRPC में कुछ प्रोविजंस है इससे संबंधित गिरफ्तारी से? हाँ सेक्शन 57 उसमें बताया गया है कि अगर व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसको मजिस्ट्रेट के समय 24 घंटे के अंदर लाया जाएगा। और एक सेक्शन आप 141 आई गेस, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, उसमें भी बताया पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है बट विदाउट वारंट है वो, तभी अभी रक्षा में 24 आवर्स के अंदर आएगा। आजकल जैसे गिरफ्तारी से पहले नोटिस देते हैं, कौन कौन से केसेज में है ये नोटिस नेसेसरी? सर ये नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में, असंज्ञेय मामले में, जैसे वारंट संज्ञेय मामले में तो पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है और असंज्ञेय मामले में तो नोटिस देना होगा जब मतलब वारंट बताना होगा। वैसे नहीं दे सकते, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है भाई, 7 साल तक की सजा वाले मामले ऐसे आएंगे, ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल मेन है। सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ मुझे ऐसा लगता है मतलब कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल से। जैसे कोई व्यक्ति FIR कराना चाहता है, हाँ जी, लेकिन उसकी FIR दर्ज नहीं होती, तो उसके पास में सर अगर कोई व्यक्ति है वो FIR, सबसे पहले तो FIR संज्ञेय मामले में होती है 154 सेक्शन में, उसके बाद अगर नहीं करते हैं पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी तो 153 के क्लोज 3 में बताया गया है कि वो पुलिस अधीक्षक को भी भेज सकते हैं डाक द्वारा या अन्य रूप से। और अगर वो भी नहीं करते हैं तो हम एक और प्रोविज़न है कि कंप्लेन कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को
आर्टिकल 200 में, और वन आर्टिकल सॉरी सॉरी सेक्शन दो, कंफर्टेबल हो हाँ प्लीज। सेक्शन 200 कंप्लेन नहीं, 200 200 परिवार परिवाद दायर कर सकते हैं ना। दायर कर सकते हैं। और और इसके अलावा वो 482 में हाई कोर्ट को अंतरिम शक्ति का जो है उसमें भी आवेदन कर सकते हैं। 156(3) हाँ 156(3) में भी मजिस्ट्रेट को जो ये संज्ञान लेने से पूर्व होगा, तो मजिस्ट्रेट अगर मामला हो बनता है तो पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलेगा। एफआईआर दर्ज करनी हाँ पड़ जी सकती है। 200 क्या है? 200 में कंप्लेन है, जो भी अपराध मतलब पूरे परिवार पर जो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है वो अब जो कंप्लेनेंट है उसकी और जो साक्षी होते हैं अगर कोई उपस्थित है तो उनकी शपथ पे परीक्षा लेता है मतलब लेता है। और 167 क्या है? सर 167 में है, अगर 24 आवर में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो आगे का कैसे प्रोसेस होगा उसके बारे में बताया गया है कि अगर पुलिस थाने के पास अधिक अधिकारी को ऐसा लगता है कि 24 घंटे में नहीं हुआ है और कोई इतना जो गंभीर है तो वो जो संबंधित अधिकारी मजिस्ट्रेट होता है उनको रिपोर्ट भेजेगा और गिरफ्तार जो व्यक्ति है उनको और जो पुलिस डायरी है उसको एक प्रविष्टि में प्रति भेजता है। और मजिस्ट्रेट अधिकारिता हो या नहीं हो अगर वो 15 दिन तक पुलिस अभिरक्षा में रख सकता है और उससे अधिक रखना है तो जो अधिकारी वाले मजिस्ट्रेट होते हैं उनको भेजेंगे। सेक्शन 32 क्या कहता है ऑर्डिनेंस एक्ट का? सर सेक्शन 32 में ये जो कथन बताए गए हैं जो व्यक्ति मर गए हैं मृत्यु हो गई है या फिर मिल नहीं रहे हैं या उनकी जो हाजिरी इतनी ऐसी है कि उनको विलंबन हो सकता है या बहुत ज़्यादा व्यय हो सकता है उसके बारे में है। इसमें मृत्युकालीन कथन है और कारोबार से रिलेटेड है, लोक अधिकार वाला है, नातेदारी वाला है और मतलब इससे रिलेटेड है। जो आर्टिकल 14 है वो क्या कर रहे हैं? आर्टिकल 14 सर आर्टिकल 14 बोला गया कि विधि के समक्ष समानता और उसमें बताया गया कि भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति से विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण दिया गया है। क्या कोई इसके ऐसे प्रोविजन है जो जो समता का जो अधिकार है उसको छोड़ करके हमने कुछ स्पेशल प्रोविजन किए वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, वो किस हाँ आर्टिकल में? सर आर्टिकल 15 का क्लोज 3, 15 का क्लोज 4, 15 का क्लोज 6 भी हो सकता है और 16 में भी क्लोज 3 ये एक्सेप्शन है। इसमें जी कहाँ से हैं आप? मैंने मैं सर जोधपुर से हैं जोधपुर किसने बसाया था, सर, राव जोधा जी ने किस वर्ष में बसाया गया है? सर ये 12 मई 1949 सॉरी 49 सॉरी सर मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जी आप लिखिएगा। प्राण न्याय का सिद्धांत क्या है? सर प्राण न्याय का सिद्धांत है कि एक सॉरी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। ठीक है, मैं अब आपको मार देने में कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा आप पूछा मैंने आपसे। ठीक है, अब मुझे बताइए कि विधिक निर्योग्यता से क्या आशय होता है जब आप करिश्मा अधिनियम के अंतर्गत बात करते हो? विधिक सॉरी निर्योग्यता लीगल डिसेबिलिटीज का क्या मतलब है? अच्छा सर लिमिटेशन के सेक्शन 6 में बताया गया विधिक नियोगिता इसके बारे में है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको वाद और डिग्री का मतलब डिग्री का निष्पादन के लिए आवेदन करना हो और उसका जो विहित काल स्टार्ट हो रहा है तब वो विधिक नियोगिता में जैसे अवयक्ष है या जड़ है या पागल है तब वो उसका जो लिमिटेशन टाइम है वो रुक जाएगा जब तक वो विधिक नियोगिता में है। इसमें बेसिकली 3 ही हैं जो अवयक्ष और जी क्या पक्ष के पास विकल्प है कि वो आदेश 32 में भी जा सकते हैं? सॉरी आपने बताया है कि जो अवयस्क है, क्या उसके पास विकल्प है कि वो आदेश 32 के अंदर जाके भी वाद संसद कर सकता है? आदेश 32 क्या कुछ संबंध है आदेश हाँ 32 का और धारा 6 सेक्शन 6 और ऑर्डर 32 का, कोई इंटररिलेशन है?
ये आदेश 32 में तो वो उनके बारे में बता रखा है ना। सॉरी सर, अभी नहीं बता। मुझे बताइए कि अगर मुझे कोई भी स्थावर संपत्ति हाँ जी, मुझे उसका प्रतिधारण कराना है, मतलब मुझे रिकवरी ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अगर उसके लिए जाना है, तो मेरे पास किन किन अधिकार या किन किन विधियों के अंदर मेरे पास अनुदोष प्राप्त करने के लिए मैं अधिकारी हूँ, किन किन अनु मतलब मैं किन किन एक्ट के अंदर जा सकता हूँ, आप मुझे बताइए। मुझे अगर प्रॉपर्टी रिकवर करनी है, इमोबल प्रॉपर्टी रिकवर करनी है, तो मैं किन किन एक्ट के अंदर जाके रेमेडी क्लेम कर सकता हूँ। सीपीसी सीपीसी प्रोसीजर लॉ सबस्टेंटिव में कोई है? टीपी एक्ट, मुझे बताइए कि अभिवचन, क्योंकि ड्राफ्टिंग रीडिंग भी आपके सिलेबस का पार्ट है जेलों का, तो ये जो अभिवचन होते हैं, ड्राफ्टिंग जो होती है, मतलब जो प्लेडिंग जो है पर्टिकुलर, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सर जो अभिवचन होता है ना उसमें दो होते हैं, वाद पत्र और लिखित कथन। और इसके सिद्धांत बताने जी सिद्धांत, सर, इसके तीन सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांत। और इसमें ये कि तात्विक तथ्यों का कथन होता है, साक्ष्य का नहीं, और तथ्य का ही होता है, विधि का नहीं, और जो एविडेंस का भी नहीं कथन होता है। इसमें डेट, तारीख और अंकों में, शब्दों में लिखा होता है और संक्षिप्त में लिखा होता है। और जो दूसरा है कि साधारण है, जिसमें जो सेक्शन मतलब बताए गए रूल्स वो है सेक्शन 30 क्या है एविडेंस का? सेक्शन 30 एविडेंस। सर सेक्शन 30 एविडेंस में बताया गया कि सॉरी सर, कौन जी सर, मेहरानगढ़ एक जगह है, मेहरानगढ़ एक किला है, क्या है उसके बारे में, किसने बनाया सर, उसे? ये भी राव जोधा जी ने ही बसाया था। मेहरानगढ़, इसका नाम मेहरानगढ़ इसलिए क्योंकि मेहरान यानी सूर्य के नाम से है, और ये चिड़ियाटूप पहाड़ी पे है, और इसमें यहाँ मान्यता है कि यहाँ जैसे चामुंडा माता जी का मंदिर है, और ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, तो मतलब ऊंची पहाड़ पे है। एक उम्मीद पैलेस हाँ जी किसने बनाया था? सर, वो उमेश जी ने ही बसाया था। उनके बारे में हिस्ट्री कुछ, उमेश सिंह कौन? वहाँ के राजा थे, उन्होंने बसाया मतलब बनाया था। उसके पीछे हिस्ट्री है कि कुछ काल वाल पड़ा था राजस्थान में, जोधपुर साइड में कोई काल वाल पड़ा था, जब उसको लेके रोजगार की कमी के कारण उन्होंने ही बस बनाया था। पर अभी ये तीन भागों में विभाजित है, जैसे एक होटल भाग है, एक म्यूजियम है और एक शाही परिवार खुद रहता है। जयपुर के बारे में क्या जानते हो आप? सर जयपुर, किसने बसाया जयपुर को? सर मैं जसवंत सिंह जी ने सर जसवंत को। सिंह। एक यहाँ एक आमेर का किला है, हाँ जी, उससे ऊपर कुछ एक है, नाहरगढ़ चलो को नाहरगढ़, उसका कोई दूसरा नाम है नाहरगढ़ का? नहीं कर, सॉरी जयगढ़ किला किस पहाड़ी में बना हुआ है? सर, हवा महल कभी किस? देखने नहीं है या मैं किलो सर देखा है पर इतना ध्यान नहीं है। ये तो तीनों मिले हुए एक जैसे, नाहरगढ़, जयगढ़, अमेर। चलिए एविडेंस पर आते हैं। एविडेंस सेक्शन 4 क्या कहता है? सर सेक्शन 4 उपधारणा से बारे में है, जिसमें उपधारणा कर मैं प्रज्यूम उपधारणा कर सकेगा करेगा और निश्चायक सबूत के बारे में। निश्चय सबूत क्या है? सर ये कि अगर एक तथ्य मतलब दूसर घोषित हो जाता है तो वो अन्य तथ्य भी निश्चायक माना जाएगा। विशेषज्ञ हाँ जी क्या है? विशेषज्ञ सर, सेक्शन विशेषज्ञ। किस हाँ सेक्शन में दिया गया है? सर 47 नहीं सॉरी 45 सेक्शन। अच्छा, क्या क्या है इसमें? सर विशेषज्ञ एक व्यक्ति होता है जो व्यक्ति में जिसको विज्ञान, कला और हस्तक्षेप नहीं सॉरी हस्त चिन्ह और अंगुली चिन्ह और
विदेशी विधि के बारे में, जिसको नॉलेज होता है, जिसको अनुभव होता है, वो विशेषज्ञ कहलाता है। रेस जुडिकेटा एंड रेस सब जुडिस, क्या होता है इसका? रेस जुडिकेटा और सब जुडिस। सीपीसी का सेक्शन, सीपीसी का सेक्शन 11 में है रेस जुडिकेटा, और सेक्शन 10 में है रेस सब जुडिकेटा। उसमें बोला गया है सेक्शन 10 में है कि बात कर, रेस सब जुडिकेटा में बताया गया है कि अगर कोई वाद लंबित है तो उन्हीं पक्षकारों या उससे संबंधित जो पक्षकार है हितबद्ध, और वही वैसे ही वाद हेतु जैसे प्रत्यक्ष और परोक्ष जो वाद हेतु है, दूसरा वाद नहीं लाया जाएगा, मतलब ला सकते हैं पर रोक दिया जाएगा लंबित। सॉरी सर, मैं अभी ढंग से नहीं। Thank you.